हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पांच ऐसे टिप्स जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी। वो कौन कौन से टिप्स है, वो कुछ भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकती है, खान पान हो सकता है, बहुत सारे ऐसे टिप्स मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं डायबिटीज की। जो डायबिटीज है वो एक क्रॉनिक डिसीज है जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कम नहीं होने देती है। अगर जैसे ही शुगर लेवल कम नहीं होगा, आप जानते ही हैं कि कितना बेड इफेक्ट पड़ता है उसका बॉडी का। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी शुगर पेशेंट को फेस करनी पड़ जाती है। देखिए, जो ब्लड शुगर लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और ना ही वो कम हो जाए तो अच्छा है। इसीलिए उसको लेवल में रखना बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम उसको लेवल में कैसे करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि शुगर को लेवल करने के लिए हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, और कुछ परहेज होते हैं जो मैंने आपको बताया है वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या आता है कि आप अपने जो शुगर है उसको मॉनिट्रेट करें। हफ्ते में अगर आप 2 बार भी अपने शुगर को मॉनिट्रेट करते हैं, यानी कि अपना शुगर लेवल खुद चेक करते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल बढ़ा है या घटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ना बढ़ना अच्छा होता है ना घटना अच्छा होता है, उसको लेवल करना, एक क्वालिटी में लाना बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए अपने शुगर लेवल को हफ्ते में 2 बारी मॉनिट्रेट जरूर करें। और ज्यादा अगर आपके घर पे जो छोटी मोटी मशीनें होती हैं शुगर चेक करने के लिए वो नहीं है, तो आप डॉक्टर से भी करा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, जरूरी है, क्योंकि शुगर लेवल टेस्ट करना क्या है क्या नहीं, वो हमारे लिए, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी होती है। दूसरा आता है आपको हेल्दी फूड खाना। देखिए, हेल्दी फूड में मैं अगर बात करूं कि अपना आप जैसे खान पान बिल्कुल ठीक रखिए, हेल्दी फूड का मतलब है कि आप ऐसी चीज लीजिए, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करना है। अगर आपको शुगर वाली चाय भी पीनी है, अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, तो शुगर फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं उतना आपको साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे डायबिटीज पेशेंट के लिए चीनी बहुत ज्यादा हार्म करती है, और इससे क्या होता है कि अगर आप शुगर ले रहे हैं तो इससे फैट भी। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये जानकारी आपकी लाइफ बदल देगी। CCRS द्वारा बनाई गई DME6 आयुष 82 प्रोडक्ट डायबिटीज के रोगियों के लिए आयुर्वेद का सही उपचार, जिससे घर बैठे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इंसुलिन की परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, अब दुनिया के हर डायबिटीज के रोगी के लिए उपलब्ध है। जहां डायबिटीज की अन्य दवाएं आपको बहुत महंगी पड़ती हैं और आसानी से अवेलेबल भी नहीं होती हैं, वहीं CCRS द्वारा बनाई गई DME6 बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर आपको घर बैठे अवेलेबल कराई जा रही है। तो देर न करें और अभी ऑर्डर करें DME6। तो इसीलिए शुगर नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना नहीं खाना है, और जो चिकनाई होती है जिसमें ऑयल ज्यादा होता है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो शुगर पेशेंट के लिए सबसे अच्छा होता है फाइबर। आप फाइबर का इस्तेमाल कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें फाइबर ही होता है। आप जितना फाइबर खाएंगे, जितना आप अपने खाने में फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, वो आपका एक हेल्दी फूड बनेगा, साथ में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आता चला जाएगा। तीसरा, इसमें मैं बात करूं आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज। देखिए, प्रॉपर एक्सरसाइज शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि हाथ पैरों में दर्द, ठीक है, इसके अलावा आपको झंझनाहट रहती है, आपकी जो विजन होते हैं, जो आपकी आंखों की रोशनी होती है वो भी कम होती चली जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, शुगर को हमें एक डायबिटीज़ कहना बहुत इजी होता है, लेकिन जिसको डायबिटीज़ होती है वो क्या क्या फेस कर रहा होता है वो वही जानता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो शुगर पेशेंट होते हैं अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज करें ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को फिट रखना। क्योंकि एक्सरसाइज जो है, आपके हैंड, जैसे आपने वॉकिंग कर ली या आपने कुछ भी स्टेयर्स हो गए, अप्स डाउन कर लिए, थोड़ी सी आपने जॉगिंग कर ली, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपके बॉडी के हाथ पैरों की मांसपेशियां होती हैं उनको भी ठीक रखता है। क्योंकि जो शुगर के जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपकी मांसपेशियों पे जो असर होता है वो बहुत ज्यादा गलत पड़ता है। इसके बाद आता है आपका स्ट्रेस फ्री रहना।
देखिए स्ट्रेस तो ना हर इंसान के लिए बहुत ही बेकार चीज है, बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है। जिस भी इंसान को स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है आपका मतलब एक पर्सनल रिलेशनशिप से लेके आपकी बॉडी तक पे इफेक्ट दिखता है आपके स्ट्रेस का। इसीलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप किसी तरह का स्ट्रेस लेते भी हैं तो उसको आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा खराब है, खासकर शुगर पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत ही बेकार है शुगर पेशेंट के लिए। इसे स्ट्रेस फ्री रहें। अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो आप उसके लिए योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं कि आप अपना ध्यान भी डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जॉगिंग कर ली, खाना खाया, आपने थोड़ा सा बाहर टहलने चले गए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद आपके लिए आता है अगर आप धूम्रपान करते हैं, यानी कि आप सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, कोई भी आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं ना, उसको आज ही से छोड़िए, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए नशा कोई भी हो वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। खासकर सिगरेट जो है आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डालता है। इसीलिए अगर शुगर पेशेंट है और अगर आप सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, उसको आज ही से छोड़िए, दोनों ही आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये थे कुछ टिप्स जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे। इसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए जैसे मैंने आपको बताया, तो देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल होगा। जो मॉनिटरेट करना है, जॉगिंग करना है और आपको एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, यही कुछ टिप्स हैं जो आपको कंटिन्यू फॉलो करने, और देखिएगा कितनी जल्दी से आपकी जो शुगर लेवल है कंट्रोल में आएगी। अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।